गढ़ से सर ये लोग मीटिंग करके राजरानी का ऊपर से नीचे आते थे, रास्ते से दर्शन करके रानी के महल में लेकर जाते थे। राजाओं के जमाने में नीचे पूरे कारपेट होते थे, अंदर बाहर येलो प्लास्टर, महल में सारे पर्दे सारा सामान होता था। औरंगजेब की लड़ाई के बाद सर ये फोर्ट खंडेर हो गया, टूटे फोर्ट पर कोई हुकूमत नहीं करते। फिर फोर्ट का सामान कहाँ चला गया? तीन हिस्सों में बट गया, चौमेला पैलेस, पलकनुमा पैलेस और सालार जंग म्यूजियम के अंदर। कपड़े सर, रूस जमाने में राजा लोग जो क्लॉथ पहनते थे उसका वेट होता था 1.25 किलो, 1 kg से भी ज्यादा, शेरवानी टाइप जैसे। पैलेस के कर्टन, पैलेस में जो पर्दे टंगाते थे उसके ऊपर जो वर्क होता था गोल्ड के तार का वर्क होता था, जरी वर्क बोलते, चाइनीज प्लेट। आप जो प्लेट में खाना खाएंगे जहर डालेगा, प्लेट का कलर चेंज हो जाएगा। हाथी के दांत के अंदर में तलवार है, उस जमाने के कारपेट, उस जमाने के एक के सर सबसे बड़ा डाइनिंग टेबल भी हैदराबाद में कहाँ पे, निजाम के पलकनुमा पैलेस के अंदर, जिसके ऊपर 101 आदमी बैठ सकते, 101। डाइनिंग टेबल का खासियत ये है, आप ये कॉर्नर पर बैठकर ये कॉर्नर वाले से कुछ डिश मांगना चाह रहे हैं हल्के से इधर बोल दीजिए, इधर सुनाई देगा। अभी निजाम के पलकनुमा पैलेस को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर टाटा वाले 7 स्टार होटल बना दिए। अभी आम आदमी की एंट्री नहीं है, पहले 50 रुपये टिकट था उसको देखने के लिए, अगर आप जाके ठहरना है पैलेस के अंदर तो 45,000 रुपीज़। जो निजाम रूम में सोते थे अगर वो रूम में ठहरना है 5,40,000। इंडिया की नंबर 1 7 स्टार हैदराबाद में पलकनुमा पैलेस, पलकनुमा एक्सप्रेस ट्रेन भी चलता है यहाँ से कलकत्ता तक निजाम पैलेस के नाम से।